प्रैक्टिस किए थे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाले टॉपिक को लेकर, तो अभी वापस से हम लोग हमारा प्रैक्टिस वाला काम शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं कि जो सवाल हम लोग आज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं ये सब्जेक्टिव सवाल है, ठीक है। बट सब्जेक्टिव सवाल का ये मतलब नहीं कि इससे हमारा क्या वास्ता है, बिकॉज थ्योरी एंड सब्जेक्टिव टाइप की चीज़ों से ही क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन अभी मैं दे रही हूँ, ये क्वेश्चन कहाँ से उठाए हैं, जो आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो आपका केमिकल रिएक्शंस वाला टॉपिक है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में, ये वहाँ का उठाया हुआ टॉपिक है। तो अगर तुम वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखोगे तो तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है वो तुमसे पूछ रहा है कि साइनोहाइड्रिन क्या होता है। तो साइनोहाइड्रिन के बारे में जितनी जितनी इन्फॉर्मेशन अभी मेरे राइट नाउ दिमाग में आ रही है वो क्या है कि आप लोगों की एक कार्बन की चेन होती है, उस कार्बन की चेन में उसी सेम कार्बन पे जब OH ग्रुप भी लगा हो और जब आप लोगों का साइनाइड ग्रुप भी लगा हो तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन कहते हैं। तो ये पहला पार्ट है। अब वो गिव एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन इन ईच केस, यानी कि साइनोहाइड्रिन की रिएक्शंस बतानी। तो पहली बात तो ये कि हम लोगों ने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उसके बेसिस पर अभी प्रिपरेशन और साइनोहाइड्रिन होती कैसे, साइनोहाइड्रिन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। आपके पास यदि कोई कीटोन होता है, ठीक है, तो हम उसमें क्या डालते हैं, HCl। अगर HCl नहीं है तो HCl के बदले में NaNO2 और HCl, NaCN और आपका HCl, इसका मिक्सचर यूज़ करते हैं। अच्छा, इसकी जो साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन है ये बेसिक मीडियम में बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, तो इसका pH जो रहेगा वो ऑब्वियसली 8 से हम लोग ग्रेटर रखते हैं, तो जाके तुम्हारा साइनोहाइड्रिन बन जाता है। बस ख़त्म कहानी। उसके बाद साइनोहाइड्रिन बन जाने के बाद मैंने तुम लोगों को कुछ पार्ट्स बताए थे, जैसे कि साइनोहाइड्रिन जो है अगर आप लोगों के हाइड्रोलिसिस करो तो क्या प्रोडक्ट बनाता है वगैरह वगैरह, तो ये पार्ट तुम लोगों को रिवाइज कर लेना है। मतलब मुझे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को तो मैं आंसर दे चुकी हूँ, मुझे बस अभी ये वाली चीज़ करनी है कि अभी जो तुम्हें चीज़ें बताई जा रही हैं उसको इस वीडियो के बाद तुरंत तुरंत क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है, ताकि चीज़ें तुम्हें बाद में दिमाग में रहे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में एसीटिल बोल रहा है, ये एसीटिल नामक प्राणी को भी हम लोगों ने पढ़ा है। एसीटिल क्या होता है और कीटिल क्या होता है, तो दो चीज़ें थी, एक था एसीटिल, एक था हेमी एसीटिल, एक था कीटिल और एक था हेमी कीटिल। तो मैं एक ही बार में ये तीनों चीज़ें बता देती हूँ कि एसीटिल, हेमी एसीटिल और कीटल, ये सब एक बार में आपका कवर हो जाए। तो क्या आपका ये कीटल AL वाला अल वाला जो वर्ड है ये हम लोग लगाते कब है, जब आपके पास कोई कार्बन है, कार्बन में एक आपके पास नॉर्मल कार्बन की चेन होगी, एक हाइड्रोजन होगा और बाकी के आप लोगों के पास ईथर मतलब एल्कोक्सी ग्रुप होंगे, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, ये पर्टिकुलर चीज़ आपकी क्या कहलाएगी, एसीटल, ठीक है। पॉइंट नंबर 5-7 में आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कीटल, कीटल में से हम किसको कहते हैं, कीटल में क्या होता है, आप लोगों का ये जो एक कार्बन है, इस एक कार्बन का हमने ये ले लिया, ये मैंने कीटल उठा लिया, एक कार्बन लिया, इसमें इधर कार्बन की चेन होगी, इधर एक और कार्बन की चेन होगी, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, कार्बन की चेन होगी और यहाँ पे आप लोगों के क्या रहेंगे, एल्कोक्सी ग्रुप रहेंगे। तो ये वाली जो चीज़ है ये वाला आपका क्या कहलाने वाला है, दिस इज़ नोन एज कीटल। उसके बाद कोई एक आपका जो क्वेश्चन है, पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर पाँच में तुमसे ये पूछा जा रहा है हेमी एसीटल क्या है। हेमी का मतलब, जैसे पहले तो एसीटल का मतलब क्या होता है, एसीटल मतलब कार्बन, इस तरफ एक कार्बन की चेन, ठीक है, इस तरफ में आप लोगों के पास आ जाएगा हाइड्रोजन, इधर में एक एल्कोक्सी ग्रुप तो रहना ही है क्योंकि एसीटल वर्ड आ गया है, लेकिन यहाँ पर रहेगा OH, यानी कि आपका ये वाला पार्ट, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, हेमी एसीटल। अब ये बनता कैसे है ये सब हमको देखना है, तो वैसे तो तुम चीज़ों को रिवाइज करोगे तो हमें पता चल जाएगा, बट फिर भी बता देते हैं एक बार। अगर आपके पास कोई भी लेट से तुम्हें एसीटल बनाना है, या पहले माने तो तुम्हें हेमी एसीटल बनाना है, तो एसीटल मतलब यूनिक अल्डिहाइड, ठीक है, एसीटल मतलब अल्डिहाइड, कीटल मतलब कीटोन। तो अगर मुझे हेमी एसीटल बनाना हो या चाहे एसीटल बनाना हो, आई नीड अ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, अल्कोहल के साथ कराते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड,
बराबर, और वहाँ से जो चीज़ पैदा होती है दैट थिंग इज नोन एज हेमीएसिटल। अभी मैकेनिज्म देखना तुम्हारा काम है, चीज़ों को रिवाइज करना तुम्हारा काम है। हेमीएसिटल में जब मैं फिर से अगेन वही सेम अल्कोहल या दूसरे जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल डाल के उसको एसिडिक मीडियम देते हैं, तब वो चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाती है, एसिटल में। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर कीटल, तो तुम कीटल कैसे प्रिपेयर करोगे, ठीक है? तो कीटल प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है, कीटोन लेना है, ठीक है? या आपने कीटोन लिया, अच्छा कीटोन की रिएक्शन करवा दी, ओके ओके। वन मोर थिंग, मैंने आशा कीटल में गड़बड़ कर दी है, कीटल में ये जो दोनों रहेंगे कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है? या फिर नहीं भी तो आप अलग अलग भी उसको ले ही सकते हो, तो उसमें बस आपको कीटोन लेना है, सेम वही रिएक्शन करनी है, प्रोडक्ट बन के रेडी। नेक्स्ट सवाल में आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल तुम लोगों को क्या दिया, साइनोहाइड्रिन हो गया, एसिटल हो गया, हेमीएसिटल हो गया, कीटल हो गया। अब ये जो एल्डोल है, एल्डोल को तुम देखो मैं यहीं बता देती हूँ, अभी अभी हम लोगों का पढ़ा हुआ पार्ट है। कई लोग इसमें लिख देते हैं कि एल्डोल का प्रोडक्ट अल्फा कॉमा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन होता है, तो ऐसा मत लिखना, वो कंडेंसेशन के बाद होता है। उसने तुमसे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, एल्डोल क्या होता है, तो एल्डोल में क्या होता है, जो बीटा पोजीशन होती है उस बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा होता है, सो प्रोडक्ट विल बी बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है? और बाकी तो फिर वो पूरी की पूरी आप लोगों के पास होता है कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब वो एल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर वो वाली चीज़ आपके पास पर्टिकुलर क्या हो सकती है, कीटोन भी हो सकती है। तो यहाँ पे एल्डोल भी ख़त्म हो गया। अब जो बच गए, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं वैसे तो, मैं ये बता दूँ, बट फिर भी क्योंकि अभी हम लोग चीज़ों को एक बार रिकॉल कर रहे हैं, तो रिकॉल करते वक्त ये सारे पार्ट्स भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। DNP 2.4 DNP टेस्ट, अगर भूल गए हो कि 2.4 DNP टेस्ट क्या होता है, तो चीज़ों को रिवाइज़ करो। कहाँ रिवाइज़ करेंगे, तुम लोगों को रिएक्शंस बताई थी अमोनिया के डेरिवेटिव्स वाली, उन अमोनिया की डेरिवेटिव्स वाली रिएक्शन में कभी हम लोग इमाइन बनाते हैं, कभी ऑक्साइन बनाते हैं, सभी कार्बाजोन, कभी सेमी कार्बाजोन, राइट, कीटोन के साथ रिएक्ट करा करा के, वहाँ पे तुम्हें DNP टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है? वहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, DNP टेस्ट। पहले अपन स्किफ के बारे में बात कर लें, तो देखो जितनी जानकारी मुझे यहाँ पे पूछी जा रही है वो क्या है, ही इज़ टॉकिंग द क्वेश्चन जो मुझसे पूछ रहा है उसको स्किफ बेस के बारे में जानना है। तो देखो मैं क्या क्या स्किफ बेस के बारे में जानती हूँ, यही सारी जानकारी तुम लोगों की नोट्स कॉपी में भी होनी चाहिए, बट फिर भी एक बार रिवाइज करा लेते हैं। स्किफ बेस का खुद का कलर कैसा होता है, पिंक होता है, बराबर। स्किफ बेस बनता कब है, जब हम लोग स्किफ रिएजेंट को पास करवाते हैं SO2 गैस से, तो SO2 गैस से पास होने के बाद जो आपको नया वाला सोल्यूशन मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक मिनट ना, सॉरी, जब हम लोग स्किफ बेस में SO2 गैस पास करवाते हैं तो जो चीज़ हमें मिलती है नेट पार्ट दिस थिंग इज स्किफ रिएजेंट, खत्म। अच्छा, और उसके बाद आपने स्किफ बेस में उसको स्किफ रिएजेंट में कन्वर्ट किया बाय एडिंग व्हाट, SO2 गैस। और अगर स्किफ रिएजेंट से वापस से स्किफ बेस में आना है तो आप उसमें क्या कर दो, कोई एल्डिहाइड ऐड कर दो। एल्डिहाइड के ऐड करने की वजह से वो क्या हो जाएगा, वापस से स्किफ बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो स्किफ रिएजेंट है, ये स्किफ रिएजेंट मेरे किस काम का है, स्किफ रिएजेंट में अगर आपने एल्डिहाइड डाला, ठीक है, तो होगा क्या, जैसे ही एल्डिहाइड डालोगे स्किफ बेस क्रिएट होगा, और स्किफ बेस का खुद का कलर पिंक होता है, इसका मतलब हम लोग एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए स्किफ का यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपने इसमें कीटोन डाला तो कीटोन डालने से स्किफ रिएजेंट कभी भी स्किफ बेस में कन्वर्ट नहीं होगा, सो देयरफॉर यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, नो रिएक्शन। यानी कि ये एक टेस्ट है, इस टेस्ट से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो किस चीज़ को, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को आपस में, कि कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है, ये इस प्रकार से, बराबर। अच्छा, अब क्वेश्चन वाले ने पूछा था स्किफ बेस क्या है, मैंने तो तुम्हें पूरा प्रवचन दे दिया, तो प्रवचन की नीड नहीं है, हमको सिंपली स्किफ बेस जानना है। तो जब भी तुम लोगों के पास कोई एक एल्डिहाइड होता है, ठीक है, लेट्स से आप लोगों के पास कोई एक एल्डिहाइड है, लेट्स इमेजिन ये RC डबल बॉन्ड O और ये H, इसको मैं ट्रीट कर रही हूँ एक 1 डिग्री अमाइन के साथ, ठीक है, इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन कैन बी एलिफेटिक और इट कैन बी एरोमेटिक, जो भी होगा।
तो यहाँ पे एच टू है, यहाँ पे एन है और यहाँ पे आर है, तो क्या, अच्छा आर डैश ले लेते हैं क्योंकि आर वहाँ ऑलरेडी है। तो तुम्हें याद होना चाहिए कि जब भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स को इस तरीके से हम अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ ट्रीट करते हैं, तो जनरली हम लोगों के तरीका कैसा होता है डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने का, एच टू एलिमिनेट करना। अगर याद नहीं आ रहा है तो इस चीज़ को आज नोट्स कॉपी में पढ़ लेना। अब ये चीज़ क्या होगी, आर सी, यहाँ पे एच, ये डबल बॉन्ड वैसे का वैसी वो एन से कनेक्टेड है और यहाँ पे आ जाएगा आर डैश। दिस इज नोन एज वॉट, स्किफ बेस। तो बस इतनी जानकारी है। अब ये जो थ्योरी वाला या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कल को ऑप्शन आ सकता है एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्किफ बेस, ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है कि वॉट इज द ओरिजिनल कलर ऑफ स्किफ बेस, या वॉट इज द पर्पज ऑफ स्किफ बेस, या कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि चार ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इसमें से स्किफ बेस किसके साथ मतलब स्किफ बेस किसको डिस्टिंग्विश करने के काम आ रहा है, या स्किफ रीजन किसको डिस्टिंग्विश करने के काम आ रहा है, तो ये प्रवचन से। अच्छा, और किसके बारे में बोला गया है आपको, एक डीएनपी के बारे में बोला गया। ओके, डीएनपी भी अगर तुम देखोगे तो इसको, जब मैंने अभी बोला वो अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव्स को जाओ जाके रिवाइज करो, तो जब तुम वहाँ पे रिवाइज करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि डीएनपी कौन है। तो एक काम करते हैं, हम रिवाइज कर ही लेते हैं, ठीक है। कैसे, आप लोगों को डीएनपी चाहिए, डीएनपी पढ़ाने से पहले एक कीटोन लो। आपने कीटोन ले लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे आर डैश, ठीक है। अब इसकी तुमने रिएक्शन करवाई है किसके साथ, फिनाइल के साथ। अब फिनाइल कैसा, बेंजीन रिंग रहेगी, ठीक है, अच्छा ठीक है, रहेगा बेंजीन रिंग। यहाँ पे मैंने ले लिया सी सिक्स एच फाइव, यहाँ पे रहेगा एन एच और यहाँ पे रहेगा एन एच टू, ये इसके साथ मैं रिएक्ट करा रही हूँ। क्या हो जाएगा, तुमको पता होना चाहिए, आप लोगों का यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, H2O एलिमिनेट होगा, बराबर है, क्या एलिमिनेट होगा, H2O एलिमिनेट होगा, ठीक है, H2O को एलिमिनेट कर लेते हैं हम लोग। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे H2O एलिमिनेट करो तो प्रोडक्ट आपका कुछ इस प्रकार से बन गया, जैसे R C, यहाँ पे R डैश डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड किसके साथ, ये इसके साथ, क्योंकि इसने अपने दो हाइड्रोजन लूज किए होंगे, नाइट्रोजन, फिर वो नाइट्रोजन NH के साथ और वो NH फिर PH के साथ, ओके। अब ऐसे में ही हम क्या करते हैं, R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R डैश ले लिया, इसके साथ मैंने रिएक्ट करवाया है आप लोगों के NH2OH को, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ का O निकालो, यहाँ का H2 निकालो, क्या हो जाएगा आप लोगों का प्रोडक्ट, R C यहाँ पे R डैश डबल बॉन्ड फिर N और N के बाद OH, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज ऑक्साइन। मैं सारी रिएक्शन रिवाइज करा रही हूँ, ये सारी जो रिएक्शंस होती हैं कीटोन की अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ, ये एसिडिक मीडियम में होती है, तो मैं बार बार वो एसिडिक मीडियम का साइन और हीट का साइन नहीं दे रही हूँ। तो देखो, क्वेश्चन में तुम लोगों से एक और पार्ट पूछा था ऑक्साइन, वो भी हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट तुमसे पूछा गया सेमी कार्बाजोन और इमाइन, ये दोनों हम लोग कैसे ऑप्टेन करेंगे इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, कैसे ऑप्टेन करना है, तो यही तो है, ये जो ऊपर मैंने लिखा कहाँ गया, ये जो स्किफ बेस है, इसी महान स्किफ बेस को हम लोग कहते हैं, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। यानी कि अगर आपको किसी ने बोला है, यानी कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है स्किफ बेस में, तो स्किफ बेस में आपका होता है, खत्म बात। ये भी एक क्रिएट किया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे भी एक एमसीक्यू क्रिएट किया जा सकता है जहाँ पे आर कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अल्काइल, इट कैन बी अराइल, एनीथिंग, जिसमें कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। अच्छा, अब और क्या तैयार करना था हमें, सेमी कार्बाजोन, ओके, सेमी कार्बाजोन कैसे ट्रीट करेंगे, देखो आप लोगों के पास एक कीटोन होगा आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे आर डैश, अब इसको ट्रीट करना है मुझको सेमी कार्बाजाइड के साथ, तो मुझे सेमी कार्बाजोन मिलेगा। अब वॉट डू मीन बाय द टर्म सेमी कार्बाजाइड, NH2 यहाँ पे रहता है NH, उसके बाद रहता है सी डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2। अब रिमूव करो किस चीज़ को, आपके हाइड्रोजन को, कौन सा वाला, ये वाला, इस साइड का रिमूव करना, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O, ये दो हाइड्रोजन रिमूव हो गए, तो यहाँ से प्रोडक्ट बन गया R C R डैश और क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड N, उसके बाद NH, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और ये NH2। दिस प्रोडक्ट विल बी नोन एज सेमी कार्बाजोन।
तो ये जितनी भी रिएक्शंस है अमोनिया डेरिवेटिव्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं डीएनपी पर। डीएनपी में क्या होगा, डीएनपी में भी आपके पास इस प्रकार से कीटोन होगा, लेकिन वहाँ पर हमको यूज़ क्या करना है, एक रिंग होती है बेंजीन रिंग ऑब्वियस है, उसकी इस पोजीशन पे NO2 है, फिर आप एक पोजीशन छोड़ के अगेन NO2 दे दो। लेट से मैंने यहाँ पे दे दिया NO2, उसके बाद अब जस्ट उस बाजू में यानी कि इस NO2 के पैरा के रिस्पेक्ट में यहाँ पे NH होगा और यहाँ पे NH2 होगा, क्या होगा, ये वाला O जाएगा, ये वाला H2 जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, R यहाँ पे C यहाँ पे R डैश यहाँ पे डबल बॉन्ड N, उसके बाद NH, उसके बाद ये रिंग। अब तो तुम लोग रिपीट कर ही लोगे इसको, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे भी NO2। दिस इज नोन एज DNP। वाई इट इज़ नोन एज DNP, तुम अगर इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे देन इट विल बी 2.4 डाइनाइट्रो फिनाइल। बेंजीन रिंग पे दो नाइट्रोजन है तो 2.4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, सो दिस इज नोन एज DNP। DNP किस काम में आता है ये आप लोगों का, DNP इस काम में आता है कि आपका जब ये DNP प्रोड्यूस होता है तो इस DNP का खुद का कलर कैसा होता है, रेड, बराबर। यानी कि जब DNP क्रिएट हो जाएगा तो DNP के क्रिएट होने के बाद आपको रेड कलर का सब्सटेंस क्रिएट होकर मिलेगा। और ये रिएक्शन किस काम में आती है, हम लोगों के अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को आइडेंटिफाई करने के काम आएगी, ठीक है। अच्छा, और ये जो आप लोगों ने यूज़ किया है ये पर्टिकुलर चीज़, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग ब्रैडीज रिएजेंट कहते हैं, बराबर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रैडीज रिएजेंट। तो क्वेश्चन कल को ये भी आ सकता है, चार ऑप्शन है, आइडेंटिफाई ये ब्रैडीज रिएजेंट इनमें से कौन सा है, या फिर ब्रैडीज रिएजेंट का स्ट्रक्चर ढूंढने को आ सकता है, या फिर स्ट्रक्चर दे दे और नीचे रिएजेंट का नाम पूछ ले। और जब DNP टेस्ट होता है तो यहाँ पे हम लोगों को मीडियम कैसा रखना पड़ता है, एसिडिक मीडियम, ठीक है। इसका जो pH होता है वो लेस देन 4 के आसपास होता है, मतलब 4 से छोटा, ठीक है। ये आप लोगों को रेड कलर का कंपाउंड, ऑरेंज कलर, येलो कलर, मतलब कितनी आप कंसंट्रेशन में यूज़ कर रहे हो उस पर थोड़ा कलर वेरिएशन आपको रेड टू येलो मिलता है। इससे आप पता लगाते हो कि आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, ठीक है। इससे आप क्या आइडेंटिफाई करते हो कि आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, बराबर। यानी कि आपको सिर्फ इतना आइडेंटिफाई होगा कि इट इज़ एल्डिहाइड और इट इज़ कीटोन। अगर आपको ये पता करना है कि वो एल्डिहाइड है कि कीटोन है स्पेसिफिकली, तो फिर आप स्किप रिएजेंट का प्रयोग करो, खत्म। तो इससे इनडायरेक्टली हमने क्या किया, ऑलमोस्ट कुछ रिएक्शंस रिवाइज कर ली, कौन सी वाली जो हम लोगों ने पढ़ी थी, कहाँ पे पढ़ी थी आप लोगों के केमिकल रिएक्शंस में। तो उसमें तो मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि बची कुछ ही रिएक्शंस भी आज ही प्रैक्टिस कर लो। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वाला कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे तुम्हारे को चीज़ों को रिकॉल होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, आप लोगों के पास ये एक रिंग दी हुई है, इस रिंग में गोला मार दिया, यहाँ पे मैंने OME लिख दिया, यहाँ पर मैंने ये छतरी बना दी है ऐसे, और यहाँ पर अभी आ गया, अच्छा एक मिनट रुकोगे, आज एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा इंटरप्शन हो रहा है, ठीक है। इधर आते हैं,
तो इस तरीके से आपको ये रिंग दिया हुआ है, इस रिंग में जो भी ग्रुप्स वगैरह लगे हैं वो सब तो ठीक है। अब इसमें तुम लोगों ने कुछ ऐड किया है, अब क्या ऐड कर रहे हो, K2Cr2O7 और यहाँ पे H+, ठीक है, और तुम्हें हीट किया है। तो अब K2Cr2O7 क्या करता है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस नियम है ऑक्सीडेशन, जहाँ पे तुम लोगों को पढ़ाया होगा अल्कोहल्स वाले चैप्टर में, वहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखाई गई होंगी, नहीं भी लिखाया होगा तो मैं अभी सिखा देती हूँ। देखो इस बॉन्ड को ब्रेक करो, मतलब डबल बॉन्ड हट जाएगा, ओके। इस कार्बन को OH दे दो और इस कार्बन को भी OH दे दो, ये होता है K2Cr2O7 का काम, ठीक है। जब हम लोगों को इस तरीके से एक अल्कीन मिलता है फ्री एंड में, फ्री एंड मतलब ये यहाँ, ठीक है, खुले में, कल भी याद करो हमने K2Cr2O7 डाला था, ठीक है, या KMnO4 डाला था, तो वो याद रहना चाहिए कि कब किसके प्रेजेंस में कैसा रिएक्ट करता है। उसके ऊपर भी अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल देंगे ताकि तुम लोगों को चीज़ें समझ में आए कि अच्छा कब ऑक्सीडेशन में कैसे रिएक्ट करना है। अच्छा, ऊपर में यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे OH आ गया, और नीचे में जो OMe है उसको पड़े रहने दो। अभी तुम्हें शायद याद हो रहा होगा जब अल्कोहल्स की एंडिंग हो रही थी, जब इस तरीके से दो OH आजू बाजू होते हैं तो वहाँ पे पिनाकोल एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, और है भी तो यहाँ पे H+, तो ये H+ इनमें से किसी एक OH को जाकर H2O पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, किस OH को जाके करेगा, 2 डिग्री वाले को, क्योंकि स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की ज़्यादा बेटर होती है ना। तो ये आप लोगों के पास रिंग है, इस रिंग में यहाँ पे नीचे में मैंने OME लगा दिया, अच्छा ऊपर में क्या है, यहाँ पर एक कार्बन है। अभी पूरी मैकेनिज्म मैं पिनाकोल की नहीं लिखकर दिखा रही हूँ, चलो जान दो एक लिख ही देते हैं, आगे एक क्वेश्चन और आएगा पिनाकोल का उसमें मैं नहीं लिखूँगी, यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे आपका OH वैसे का वैसे। अब क्या होगा, ये तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है ना, तो इससे क्या हो गया, आप लोगों के पास ये रिंग है। अच्छा, रिंग में या नीचे में आपका ग्रुप OME वैसे का वैसी, ऊपर में यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्रिएट हो गया और ये आपका OH। अभी इस पर्टिकुलर पोजिशन पे कितने हाइड्रोजन है, H, क्योंकि पिनाकोल रीअरेंजमेंट में हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, पिनाकोल में क्या ट्रांसफ़र होता है, हाइड्राइड मतलब H नेगेटिव। इससे भी कल को एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि पिनाकोल अरेंजमेंट में किसका शिफ्ट होता है, तो वैसे तो बहुत सारे ग्रुप्स का एक ऑर्डर है पिनाकोल में, जैसे कि अगर आप लोगों के पास PH ग्रुप है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप है, और अगर आपके पास हाइड्राइड ग्रुप है, तो वहाँ पे एक ऑर्डर चलता है कि हम लोग किसको शिफ्ट कराएंगे पहले, ठीक है, पिनाकोल में ऑर्डर चलता है। ऑर्डर क्या है वो, कि सबसे पहले हम आपके बेंजीन को शिफ्ट कराएंगे, फिर H को शिफ्ट कराएंगे, और फिर अल्काइल को शिफ्ट कराएंगे, ठीक है। नहीं तो कई लोगों को लगता है ना छोटा ग्रुप है तो पहले हाइड्रोजन शिफ्ट करा दो, बट इस बेचारे कार्बन पे तो दोनों ही हाइड्रोजन है, किसी को भी शिफ्ट कराओ तो क्या होगा, जहाँ पे कार्बोकेटाइन है वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन पहुँच गया, तो उस एक हाइड्रोजन के पहुँचने की वजह से वहाँ का कार्बोकेटाइन तो चला गया। अब वहाँ पे कार्बोकेटाइन चला गया, लेकिन अब वहाँ का खुद का तो कार्बोकेटाइन जा चुका है, लेकिन अब होगा क्या कि वहाँ पर जो आपका बाजू का OH है, ठीक है, जो बाजू का OH है उसके साथ क्या होगा, देखो उस बाजू का जो OH है इसका एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, और ये वाला जो है इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं एल्डिहाइड में। पिनाकोल मैं ऑलरेडी सिखाई हूँ, सो देयरफॉर पिनाकोल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, तो ये कन्वर्ट होगा इसमें। तो इनडायरेक्टली आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट क्या बना, हमको ये देखना है। तो हम लोग जो प्रोडक्ट खेल रहे थे, इनमें हम लोगों को प्रोडक्ट कुछ मिलकर कुछ इस प्रकार से मिलता है ऑप्टेन, कि आपके पास एक ऊपर में बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग के पास ऊपर में क्या क्रिएट हो चुका है, एक अल्डिहाइड नामक प्राणी क्रिएट हो चुका है। अल्डिहाइड कैसे क्रिएट हुआ ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, बस खत्म। अच्छा और कुछ देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है। अच्छा नेक्स्ट वाले पार्ट में आ जाओ, नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है तुम लोगों के पास, ये ये मान लेते हैं आपके पास ME है, इधर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये ME, इसमें मैंने डाला है HC CH, इतना तो तुम्हें पता है कि आप लोगों के पास में जो ये रहता है ट्रिपल बॉन्ड SP हाइब्रिडाइजेशन की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यानी कि उसका खुद का हाइड्रोजन टर्मिनल हाइड्रोजन, ठीक है, अगर टर्मिनल अल्काइन है तो वो खुद ही अपने आप में काफ़ी एसिडिक हाइड्रोजन है, बराबर। अच्छा
तो एक तरीके से अगर तुम देखो तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है और एक तरीके से इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो मैं ये कह सकती हूँ ये एक तरीके की एल्डोल रिएक्शन है। ओके, मुझे यहाँ प्रोडक्ट लिखना है, तो क्या होगा कि NaNH2 ये आप लोगों का बेस है, ये बेस जैसे OH नेगेटिव होता है, यहाँ पे बेस का रोल कौन प्ले करेगा, NH2 नेगेटिव, ये एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। फर्स्ट स्टेप में किससे एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, ये इसके पास से निकालेगा क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक है। क्यों ये ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि सादा सादा sp हाइब्रिडाइजेशन है और आजू बाजू से कोई इलेक्ट्रॉन भी इसको डोनेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा, तो आपका जो ये MeC डबल बॉन्ड मतलब ये जो एसीटोन है, ये एसीटोन वैसे का वैसी, प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पे नेगेटिव। अच्छा, और ये तो बेस NH2 नेगेटिव, H लेकर चला गया तो यानी कि वो हो गया NH3। अब ये जो कार्बन आयन है ये यहाँ अटैक करेगा, ये चीज़ यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, राइट, एल्डोल के जैसा ही लग रहा है। तो क्या हो गया, ME यहाँ पे ऊपर में C, यहाँ पे ऊपर में O नेगेटिव, अब यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का ME और नीचे में आ जाएगा कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे H। अब आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सेकंड स्टेप में H+ प्रोवाइड कर रहे हैं हम, तो जैसे ही तुम इस चीज़ को H+ प्रोवाइड करोगे तो H+ प्रोवाइड होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ME, यहाँ पे C, यहाँ पे ऊपर में OH, यहाँ पे ME और यहाँ पे आएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, बन गया हम लोगों का प्रोडक्ट, समाप्त कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का देते हैं। pH है, कार्बन है, डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे ME है, बराबर, यानी कि ये कौन है, बेंजल्डिहाइड है, प्लस इसमें मैंने क्या डाल दिया, अब ये तुम लोगों के लाइफ का, मतलब लाइफ तो नहीं, ये अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है एल्डोल कैनिजारो उनका ही एक अच्छा सवाल है। अच्छा, तो अब इसको अटेंड करते हैं। देखो इसके पास तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्या बाजू वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये ग्रुप कौन सा, ये एस्टर ग्रुप है, जैसे मैंने अभी अभी परकिन में एनहाइड्राइड के साथ सिखाया, ये एस्टर ग्रुप है, ये उसकी अल्फा कार्बन है और यस इसके पास हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे उसने बोला है कि मैं सिर्फ NaNH2 डालूंगा, देखो ऊपर में सेकेंड स्टेप में H+ था, यहाँ पे सेकेंड स्टेप में H+ नहीं है, बराबर है, यहाँ पे सेकेंड स्टेप में H+ नहीं है, तो अगर H+ नहीं होता तो फिर रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करती है हम लोग अभी सीखेंगे। तो क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन निकाल दो, अल्फा हाइड्रोजन निकालने के बाद ये Cl, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे O और ये इस तरीके का ग्रुप, ये आपका जो pH है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ME, ये वाला पार्ट यहाँ अटैक करेगा, ये वाली चीज़ शिफ्ट हो गई, तो बताओ ये किस तरीके का दिखने लगा। अच्छा, इसका लुक हम डिसाइड कर लेते हैं, ये एक क्वेश्चन मैं दे लूँ इसके जैसा ही, एक दूसरा क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में दिया जाएगा, एक मैं करके दिखा देती हूँ, बराबर है, इसके बाद एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए रहेगा। अच्छा, जोड़ो जरा कैसे बनेगा प्रोडक्ट, ये इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, pH उसके पास अभी भी है, कार्बन यहाँ पे ME लिख देते हैं, इसमें मैं O नेगेटिव नीचे लिख रही हूँ, क्यों लिख रही हूँ तुम्हें समझ में आएगा भी कुछ देर में, और इस ग्रुप से ये कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन के पास एक क्लोरीन है, क्लोरीन को नीचे लटका, सॉरी क्लोरीन को कैसे भी लटकाओ वैसे, चलो ऊपर लटका देते, ऊपर लटका के लिखो, इधर आ गया आपके पास डबल बॉन्ड O, इसके पास O और ऐसा ही ग्रुप। अब क्या होता है, अगर H+ होता तो यहाँ पे ऊपर वाली स्टेप के जैसे में OH यहाँ क्रिएट हो जाता, क्योंकि सेकेंड स्टेप में वो H+ प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो अब क्या होगा, तो अब ऐसे में रिंग का क्लोजर होगा, रिंग बनेगी, कैसे बनेगी रिंग, ये जो आपका ऑक्सीजन है, बराबर, ये इस वाले कार्बन के साथ, मतलब जिस पे आपका क्लोरीन है, बराबर, उस कार्बन पे वह जाएगा रिंग बनाने के लिए, ताकि कितने मेंबर की रिंग बन जाए, तीन मेंबर रिंग, देखो 1, 2, 3, अब ये तीन मेंबर रिंग क्यों स्टेबल होगी, क्योंकि ये इपॉक्साइड बन रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन है ना बीच में रिंग में, एक कार्बन की तीन मेंबर की साइक्लोप्रोपेन नहीं है, इपॉक्साइड है, और जब ये रिंग बनेगी ये क्लोरीन को कर देगा वो गेट आउट। तो यानी कि ये प्रोडक्ट कैसा बन गया आप लोगों के पास, pH है, इधर कार्बन था, कार्बन के पास ME था, अब लेकिन वो कार्बन नीचे में O से कनेक्टेड है, ये कार्बन बाजू के एक और कार्बन से कनेक्टेड था और वो O भी उस कार्बन से कनेक्टेड है, और बाजू में ये जो पूरा का पूरा उसका पार्ट है एस्टर ग्रुप, ये आप लोगों का वैसे, यानी कि कल को अगर तुम लोगों को H+ नहीं दे, तो H+ नहीं देने की सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रिंग का क्लोजर करना है, ठीक है, O नेगेटिव को नीचे लटकाना, ताकि तुम उस रिंग को क्लोजर करने में तुम्हें दिक्कत ना हो। अभी इसी के बेसिस पर ये वाला सवाल तुम लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है, इसको अटेंड करके रेडी रखना, सेम वही चीज़ है, हाँ बस बेस बदल रहा है, तो बेस ज़रूरी नहीं है कि हमेशा OH नेगेटिव आए,
NaNH2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, याद रखेंगे। ये आपको दिया है प्लस वही ऊपर वाला सेम सबस्ट्रेट, ये इस प्रकार से तुम लोगों को दे देते हैं। ये आ गया आपके पास ऊपर वाला सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे बेस के नाम पे यूज़ हुआ है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड वाला बेस, ठीक है। तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हें तो वैसे भी एच निकालना है, निकाल लेना। तो ये तुम लोगों का होमवर्क है, इसमें सेकेंड स्टेप में एच प्लस नहीं दिया है, ध्यान देंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगेन ये क्वेश्चन पिनाकोल पिनाकोल का है, तो पिनाकोल पिनाकोल को रिवाइज कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया OH, ओके। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका हिल, हिल के बाद यहाँ पे आ गया OH। अभी यहाँ पे आ गया H पॉजिटिव, बस इतना सा लिखा है। तो अभी सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि H पॉजिटिव कौन से वाले OH को जाकर H2O पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, और वो H2O पॉजिटिव जब निकल जाएगा तो कार्बोकेटाइन क्रिएट होगा। देखो ये OH इस कार्बन से कनेक्टेड है 1 डिग्री, ये कितना है 3 डिग्री, तो ऑब्वियसली वो 3 डिग्री को चूज करेगा। तो जब वो वहाँ गया तो वहाँ पे H2O पॉजिटिव बना, O पॉजिटिव उसको नहीं चाहिए, वो कार्बोकेटाइन बना के भाग जाएगा। मैं पूरी मैकेनिज्म शो नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये एक तरीके से रिवाइज करवाया जा रहा है, क्वेश्चंस के बाहर सिखाया नहीं जा रहा है। तो मैं हर रिएक्शन में हिंट देती चल रही हूँ कि कहाँ पे कौन क्या है, कौन सी रिएक्शन, ताकि अगर तुम भूले बिसरे हो पढ़े हुए तो तुम चीज़ों को रिवाइज कर सको। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और तो कोई ग्रुप यहाँ है ही नहीं, OH को ग्रुप में काउंट नहीं करना है, फिनाइल मिथाइल इस टाइप से ग्रुप में काउंट करना है। तो याद रखना पिनाकोल में हाइड्राइड आयन शिफ्ट होता है, तो ये आपका जो कार्बोकेटायन है ये पहुंचेगा यहाँ, H पहुंचेगा यहाँ, तो क्या हो गया, ये इस तरीके से आपका कार्बोकेटायन हट गया, यहाँ पे OH है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट मैं प्रोडक्ट लिख रही हूँ, ये जो कार्बन है इस कार्बन में जो OH है, क्योंकि ऊपर में दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो हाइलाइट शिफ्ट में चला, हाइड्रोजन बचा एक हाइड्रोजन, अभी यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसी चीज होगी, ये बन गया आपका प्रोडक्ट एक अल्डिहाइड, ठीक है। क्या बना, अल्डिहाइड। तो पिनाकोल पिनाकोल पहचानेंगे कैसे कि कोई रिएक्शन पिनाकोल है, दो OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन में लगे हुए होंगे तो उसे हम लोग कहेंगे पिनाकोल। बाकी चीजें रिवाइज करने के लिए फिर से वीडियो को देखें। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर में ग्रुप इधर में ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या किया हमने, NaCN डाला, ओके, और उसमें फिर हम लोगों ने डाल दिया NH3, ओके। तो पहले तो हमें सोचना है कि कहाँ से उठाया हुआ क्वेश्चन होगा, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की रिएक्शन दिमाग में छपी हुई रहनी चाहिए एकदम अच्छे से। तो तुम ये सोचो, अभी अभी ऊपर मैंने तुम लोगों को इसकी रिएक्शन और इसकी रिएक्शन सिखाई है, अभी बीच में NaCN का क्या रोल है वो बाद में देखेंगे। इन दोनों की रिएक्शन तो कर सकते हो, कैसे, आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे इथाइल ग्रुप, यहाँ पे इथाइल ग्रुप, और प्लस में H2 लिख देते हैं, इसको NH कर देते हैं, यहाँ से O निकलेगा, यहाँ से H2 निकलेगा, तो यानी कि यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा, ये इस तरीके से कार्बन, ये इस तरीके से डबल बॉन्ड, और यहाँ पे NH, बराबर। ये बन गया आप लोगों का प्रोडक्ट, व्हाट इट इज़ नोन एज, इट इज़ नोन एज, आई मीन अभी अभी ऊपर करवाया था स्किफ बेस, बराबर। अब यहाँ तो NaCN भी है, तो NaCN का यहाँ पे क्या रूल है, चलो तो ये वाला आपका सबस्ट्रेट है। अब देखो होगा कैसा, ये तो सबको लिखना आता है, अब इसके आगे अगर NaCN यानी कि CN नेगेटिव आ गया है काम में तो क्या होगा, CN नेगेटिव इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज का मतलब बेचारे को एक पॉजिटिव सेंटर की तलाश है, अब वो चला अपना पॉजिटिव सेंटर ढूंढने, तो क्या होगा, ये जो आप लोगों के दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन पे। कार्बन पे क्यों शिफ्ट नहीं हुए, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो अच्छे से अपना इलेक्ट्रॉन वगैरह के नेगेटिव चार्ज को झेल सकता है। जैसे ही वो पाई इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे शिफ्ट होंगे, यहाँ पे इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो जिसकी वजह से ये CN नेगेटिव इस कार्बन से आके ज्वाइन हो जाएगा। तो चीज़ें हुई कैसी, एक कार्बन, एक कार्बन से इधर में एक इथाइल ग्रुप लगाएं, इधर एक इथाइल ग्रुप लगाएं, साइनाइड ग्रुप आके लग गया है, और सिंगल बॉन्ड में NH है, नाइट्रोजन के पास पहले से एक लोन पेयर था, अभी दो इलेक्ट्रॉन के पेयर आ गए, इसीलिए उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। किसी को अगर डाउट हो कि दो नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं है, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि
नाइट्रोजन पहले से एक लोन पेयर रखता है, उसके लिए एक और लोन पेयर का आना एबनॉर्मल है, ठीक है, वैसे उसको लोन पेयर नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, अब इसके आगे तुम्हें कुछ और नहीं लिखा, तो क्या ये रिएक्शन यहीं रुक जाएगी? नहीं, इस रिएक्शन में ऑब्वियसली हम लोगों को इसका हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। हाइड्रोलिसिस करेंगे क्योंकि आप किसी भी रिएक्शन को इंटरमीडिएट स्टेप पे तो रोक नहीं सकते ना, तो ये इंटरमीडिएट ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करने पे कार्बन, इधर में ईटी, इधर में ईटी, ऊपर में क्या आ जाएगा NH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइनाइड, ये इस तरीके से। तो अगर साइनाइड और NH3 इस टाइप का कॉम्बिनेशन साथ में दिख जाए तो किस तरीके से डील करना है, ये उसका सोल्यूशन था। एक आखिरी क्वेश्चन, फिर आज के हम लोग इस रिवीजन वाले टॉपिक को रोकते हैं, वो ये रहेगा कि आपके पास एक कीटोन दिया है, लेट्स इमेजिन कि ये आप लोगों का कीटोन है, इसमें तुमको एक नाइट्रो अल्केन दिया है, ठीक है, CH3, ठीक है, उसके बाद CH2 NO2, नाइट्रो अल्केन और आपके कीटोन की रिएक्शन होती है, नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एरो के ऊपर ले दिया है उसने HCl गैस, ड्राई HCl गैस। तो देखो, इसकी और इसकी रिएक्शन तो आपस में नहीं होगी, हाँ, बट इन दोनों की रिएक्शन आपस में होगी। ये रिएक्शन आपको याद करनी है, मतलब याद रखनी है, इन द सेंस बहुत सारी चीज़ें तो याद रखनी पड़ेंगी ना, तभी तो पेपर में बनेंगी। तो कभी भी किसी भी नाइट्रो अल्केन को अगर तुम एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो होगा क्या, एसिड के पास H+ और नाइट्रो अल्केन का NO2, मतलब NO2 एक लिविंग ग्रुप हो गया, ठीक है, ये लिविंग ग्रुप हो गया, और ये Cl उसकी जगह क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यानी कि इन दोनों की रिएक्शन से प्रोडक्ट बना CH3 CH2 Cl, और बाहर में क्या बन गया, HNO2। दिस इज नोन एज नाइट्रस एसिड, दिस इज नोन एज नाइट्रस एसिड। कल को आपके मेंस के पेपर में ये तक सवाल आ सकता है कि नाइट्रस एसिड में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो जिसको नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर आता है, ये होता है नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर, वो काउंट करेगा और बता देगा कि लो इतना इतना है, बराबर आ रहा है, बस खत्म। तो ये वाला जो पार्ट है ये अपनी कॉपी के कहीं पे लिख कर रखना, ये ऑर्गेनिक का ही पार्ट है, बट ये याद होना चाहिए कि अच्छा ये मतलब ये। अब इसी नाइट्रस एसिड की रिएक्शन तुम्हें करवानी है इस प्राणी के साथ, चलो अलग से लिख लेते हैं उसको, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2CH3, और इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या वो आप लोगों के न्यूली प्रिपेयर्ड अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा? नो, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड्स के साथ होती है कि नहीं होती है? नहीं होती, बराबर नहीं होती। तो इसका मतलब किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ, किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ, कौन से एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, ओके, एन डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे OH, और आपके नाइट्रोजन पे लोन पेयर, बराबर नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है। अब हुआ कैसे नाइट्रोजन पे लोन पेयर, अभी रिएक्शन कैसे होगी? तो देखो, ये आखिर है तो एक अमोनिया का डेरिवेटिव, बराबर बात कह रही हूँ, आखिर है तो ये अमोनिया का डेरिवेटिव, जैसे ऊपर ऑक्साइन था, कार्बाजोन था, राइट, वैसे ही। तो इसका काम है डबल बॉन्ड मतलब ओ देना, और आपका जो कीटोन है उसका काम है H2 देना। अब यहाँ पे इतने सारे H2 है कीटोन के पास, वो ये वाला H2 देगा कि यहाँ वाला H2 देगा? तो तुम ये डिसाइड करो कौन सा वाला H2 ज़्यादा बेटर है, मतलब कौन सा वाला H2 ज़्यादा एसिडिक है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, लेकिन एसिडिक कौन होगा ये आपको पहचानना है। तो ये होगा, ये आप लोगों का एक्टिव मिथिलेनी ग्रुप है, क्यों है, क्योंकि वो बीच में है, बराबर ये आपका होगा, तो ये अपने दोनों हाइड्रोजन दे देगा। तो इस रिएक्शन में ऊपर वाली रिएक्शंस के जैसे H2O चला गया, C डबल बॉन्ड O बचा, उसके पास CH3 बचा, उसके पास C बचा, उसके पास CH3 बचा, ये कार्बन का डबल बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन के पास तो OH है। और जब भी आपको ये वाला फंक्शनल ग्रुप दिखे, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, दिस इज नोन एज ऑक्साइन। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि एक इंसान को पूछ लेता कि इनकी रिएक्शन से क्या बनेगा, क्यों, क्योंकि हमारी टेंडेंसी क्या होती है, रट्टू तोता वाली, हम लोग सारी रिएक्शंस को रट के बैठ जाते कि सेमी कार्बाजोन ऐसे बनाना है, ये ऐसे बनाना है, ये ऐसे क्रिएट करना है। लेकिन जब इस प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन आता जिस कॉम्बिनेशन में तुम्हें ड्राई HCl गैस और आपस में वो क्या लिखा है, नाइट्रो अल्केन अगर दिया है, तो वो किसी का हो सकता है दिमाग ना चले और वो उसको इस तरीके से ट्रीट कर ले
कि अरे यार ये तो प्रोडक्ट नहीं बन रहा। तो पहले क्या करो, याद रखो कि अगर आपके पास एक नाइट्रो एल्केन है और अगर आपके पास एक ड्राई एस सी एल है, तो उनमें से क्या करो, जो आप लोगों का ड्राई एस सी एल और नाइट्रो एल्केन के बीच में पहले रिएक्शन करवाओ, रिएक्शन से उन लोगों का क्या करवा लो, पहले प्रोडक्ट बनवा लो। वो प्रोडक्ट आपका कौन होगा, नाइट्रस एसिड होगा। नाइट्रस एसिड भी तो एक तरीके का नाइट्रोजन या सॉरी अमोनिया का ही तो पार्ट है, वो अपना डबल बॉन्ड लूज करेगा और जो तुम्हारा कीटोन होगा उसमें से जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा उसमें से हाइड्रोजन यानी कि दो हाइड्रोजन निकाल के डबल बॉन्ड NOH क्रिएट कर दो। खत्म हो गई हम लोगों की यहाँ पे कहानी, ठीक है। तो ये आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, कल संडे है, कल ऑफ रहेगा, कल कोई भी नया कंटेंट मेरी तरफ से जहाँ तक नहीं आएगा, आई एम नॉट श्योर, हो सकता मैं दे दूँ अगर मेरे पास टाइम मिले संडे का तो, और उसके अलावा। लेकिन हाँ, इसी तरीके से ऑर्गेनिक के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो ज़रूर आएंगे, टाइम मैं फिक्स तुम्हें नहीं बता सकती उस चीज़ का, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग अभी ओवर करते हैं, और ब्रह्मा और ये साहिल वगैरह और हिमांशी का ने तो जो मैं PDF ही लेट भेजा था 3 दिन बाद, एल्डोल पढ़ाने के 3-4 दिन बाद, इसीलिए उसका चेक नहीं हुआ। बाकी जितने लोगों ने मुझे भेजा था सबका मैं उसी रात चेक करके मैं दे चुकी थी एकदम। ब्रह्मा का मैंने रात के 1:30 या 2 बजे चेक करके भेजा था। तो अब ऐसे में कल संडे अगर टाइम मिला तो कल चेकिंग हो जाएगी, अदरवाइज़ जो तुम लोगों ने मुझे डाउट्स भेजे हैं सॉलिड स्टेट्स वगैरह के, हम वो करेंगे ठीक उसे, ठीक है।